इम्पोर्टेंट, ये रिजिड, ठीक है, एक रिजिड सरफेस है, एक रिजिड बॉल है, एक रिजिड इस टाइप का है सरफेस है, और उस पे ए रिजिड बॉल आके कोलाइड करता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो रिजल्ट है, या इस टाइप का रिजल्ट है, वो फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है, 200-2500 जगह यूज होगा। तो आई होप कि इसको अगर रिजल्ट याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो विदाउट कंज्यूमिंग अलॉट ऑफ टाइम। ठीक है, एम मास का कोलाइड किया भी इसे, अगर भी से वापस जा रहा तो कोलिजन इलास्टिकली है, किसी भी टाइप की एनर्जी बर्बाद नहीं हुई है। तो हमेशा याद रखना, जितना डिग्री पे कोलिजन करेगा उतना ही से वापस जाएगा। अगर इधर बी से कोलाइड किया भी कम वेलोसिटी से जा रहा, तो एंगल कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये विदाउट रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से आया इधर चला गया रिफ्लेक्ट। तो कहता है वैल्यू ऑफ द इम्पल्स इम्पल्टेड ऑन द वॉल बाई द वॉल। इम्पल्स, इम्पल्स क्या चीज होती है? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल, वॉल जो कितना इम्पल्स इम्पार्ट लगाया होगा बॉल पे, तो वॉल की वजह से, वॉल की वजह से इस बॉल पे कितना मोमेंटम चेंज हुआ निकाल लो। और चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चलो, तो हमारा टारगेट है इम्पल्स निकालना। चलो तो ये अगर भी से आया, इधर भी से आया, अब ऐसे तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स, इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई। अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं तो मोमेंटम को तो ऐसे निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, मोमेंटम को तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है भाई, मेरा एक्स ये है और मेरा वाई ऊपर है, तो भी का एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया जो कि हो गया ऊपर वाले भी का भी कॉस 60, और एक कॉम्पोनेंट इसका नीचे आ गया जो हो गया भी साइन 60। इसका रिजोल्यूशन हो गया, ये जो ऐसे आ रहा था वेलोसिटी उसका रिजोल्यूशन हो गया। अगर मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम एम बी कॉस 60 इधर आ गया, ठीक है, और एम बी साइन 60 नीचे आ गया मोमेंटम। ठीक है, अब जब वापस जा रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बदली है तो मोमेंटम चेंज जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो तो जो वेलोसिटी ऐसे जा रहा, अब इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसे जा रहा तो समझना, ऐसे इधर गया तो इसकी एक एक कॉम्पोनेंट इधर आई जो कि हो गया भी एम बी कॉस 60, और एक कॉम्पोनेंट इसका नीचे आएगा जो होगा एम बी साइन 60। तो वाई एक्सिस, अब देखो जो ऐसे जा रहा था, रिजोल्यूशन आता ना यार सबको, जो ऐसे जा रहा था उसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक इधर गया एक इधर गया। ठीक है, तो एक इधर गया और एक इधर गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई एक्सिस में है, कोलिजन से पहले वाई एक्सिस में मोमेंटम कितनी थी एम बी साइन 60, और कोलिजन के बाद भी वाई एक्सिस में मोमेंटम कितना है एम बी साइन 60। इसका मतलब ये हुआ वाई एक्सिस में मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पूछता कि चेंज इन मोमेंटम इन वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये जीरो आता यार। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम चेंज भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स इम्पोर्टेड बाय द वॉल ऑन बॉल इन वाई एक्सिस क्या है, जीरो है। तो जो बचा है एक्स एक्सिस वही है, क्योंकि एक्स एक्सिस में पहले मोमेंटम इधर था एम बी कॉस 60, कोलिजन के बाद मोमेंटम इधर चला गया एम बी कॉस 60, तो ऑब्वियसली चेंज हुआ ना वेक्टर में। तो चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एक बार वेक्टर में कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, फाइनल मोमेंटम कितना है माइनस एम बी कॉस 60 जे के, ठीक है, माइनस एम बी कॉस 60 जे के, और माइनस साइन यहाँ घटाने की वजह से, और इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी कॉस 60 कॉस 60 जे के, कुल मिला के माइनस टू जे नहीं आई है ना आई, एक मिनट आई आ जाएगा, ये आई कैप है ना, आई कैप, अरे आई कैप, ठीक है, तो माइनस टू एम बी कॉस 60 आई कैप, नेट चेंज इन मोमेंटम, और यही इम्पल्स है। ठीक है, अब जिसको ये फार्मूला याद है डायरेक्ट वो कर लेगा, क्योंकि वो उसको बहुत बार पता है। ठीक है, उसको पता है, देखो कोई भी है उसको पता है, अगर एक बॉल भी वेलोसिटी से हिट किया और भी से बाउंस किया तो चेंज इन मोमेंटम 2mb होता है। इसको याद कर लो, क्योंकि नीचे mb और ऊपर भी से जा रहा, तो mb से आया था और mb मोमेंटम से जाने लगा तो मोमेंटम चेंज हो गया ना,
वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, तो 2 MB होता है, तो इधर से आया ऐसे गया, तो जिसको याद है भाई बाउंस में मोमेंटम चेंज 2 MB, क्योंकि कई बार यूज होगा यार, ऑप्टिक्स में यूज होगा, फोटॉन्स में, मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा, कई बार यूज होगा ये, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड देखो, तो 2 MB cos 60, बोलो cos 60 sin 30, 1/2 ने 1/2 को, मतलब MB चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और MB चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स, मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये।